कैसे हैं सारे, जरूर बताइएगा। मैं हूँ आप लोगों की माउंटेन फेरी, और जो आज की वीडियो है, मैं अपने तलंग भी आई हूँ बगीचे में, और यहाँ पर ना थोड़ी बहुत बर्फ़ पड़ी है, तो मैंने सोचा स्नो को तो आखिरकार यहाँ पे लाना ज़रूरी था, मेरा डॉग स्नो, तो क्योंकि इसने इस साल एक बार भी बर्फ़ नहीं देखा था, तो मैं स्पेशली भी यहाँ तलंग पे आई। जैसे कि मेरे जो पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है कि सर्दियों में स्नो को, मतलब मेरा जो हस्की डॉग है उसको बर्फ़ दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैंने सोचा उसको भी लेकर आती हूँ तलंग पे, साथ में वीडियो भी शूट करूँगी। लेकिन मौसम ख़राब है, सुबह यहाँ पर एक एक दो दो इंच बर्फ़ पड़ी थी, तब मैं नीचे गाँव में थी अपने, और अभी यहाँ पर आई हूँ, तो आप फटाफट से आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत ही कम बर्फ़ रह गया हुआ है, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। चलिए स्नो 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 में मज़े लेते हुए, तो इसको तो बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ देखिए कैसे खेल रहा है मेरे साथ, और मेरे ग्लव्स को ना खाने की कोशिश कर रहा है ये पहले से पीछे, इसको नरम नरम लग रहा होगा ना शायद। स्नो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं और अब सुबह सुबह उठ गई हूँ, यहाँ पर अभी 7 बज रहे हैं और जो टेम्परेचर है -6 है, काफ़ी ठंड है। मैं अभी तक बाहर नहीं गई हूँ, यहाँ पर रात में ही मैंने लकड़ियाँ अंदर ला कर रख दिया था, और मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर मैं अकेले ही हूँ, क्योंकि आप लोगों को जैसे मैंने पहले बताया मैं स्पेशल स्नो के लिए आई हूँ यहाँ पर, और जो परिवार है वो नीचे गांव में, तो लकड़ियाँ वगैरह ला दिया था, अभी आग जलाई हुई है मैंने और आग सेक रही हूँ। मुझे नहीं पता बाहर बर्फ़ पड़ी है नहीं पड़ी है, क्या हाल है बाहर, तो जैसे ही बाहर जाऊँगी और वीडियो शूट करूँगी, सबसे पहले मैंने उठ के अभी गर्म पानी पिया है यहाँ पर, और ये देखिए मैंने आग, तो यहाँ देखिए मैंने आग जला दिया है, और यहाँ गर्म पानी मैंने किया था, तो साथ ही गर्म पानी भी, आग जल रहा है तो क्या गैस जलाना, सोचा मैंने यहीं पर ही गर्म पानी कर दिया और यहीं पिया मैंने। अभी स्नो और बाकी दूसरे कुत्ते को भी छोड़ देती हूँ मैं, और वो देखते हैं क्या क्या करेंगे बाहर। उससे पहले मैं एक कॉफ़ी बनाना चाहूँगी, तो चलिए फिर बनाते हैं। और यहाँ से बाहर, खिड़की से बाहर का नज़ारा मैं देखती हूँ, तो गाइज बहुत सारे जो नए व्यूअर सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता नहीं है, तो मैं बता दूँ ये हमारा शेंडंग है, काइंड ऑफ यहाँ पर बगीचा है, तो एक फार्म हाउस टाइप बनाया हुआ है हमने, तो एक छोटा सा किचन है यहाँ पे देखिए हमारा, तो खिड़की से बाहर का नज़ारा हम पहले देखते हैं कि क्या हाल है। तो गाइज देखिए यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पड़ी हुई दिख तो रही है मुझे, पता नहीं कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो शीशा खोल के ही देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए गाइज बर्फ़ पड़ी हुई है हल्की हल्की, है ना, रात को। तो गाइज़ रात में जब मैं सो गई थी ना, मुझे उम्मीद था कि सुबह थोड़ा बहुत मुझे बर्फ़ देखने को मिलेगा, और सेम थिंग ऐसे ही हुआ। तो यहाँ देखिए बर्फ़ पड़ी हुई है पूरे बगीचे में, और जो सेब के पेड़ है देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, ये देखिए, शुक्र है इतनी बर्फ़ तो पड़ी, और ना पड़ने से तो इतना पड़ना भी बेटर समझना पड़ेगा हमें यहाँ पर, ये देखिए। और आज जो मौसम है बिल्कुल साफ है, और वैसे अगर वेदर हम नोटिस करें, अगर आप लोग बर्फ़ देखना चाहते हैं तो आगे 24-25 तारीख से मौसम फिर ख़राब है 6-7 दिनों के लिए, तो उस वक्त भी स्नोफॉल होगी, आप लोग कल्पा वगैरह घूमने आ सकते हो, अगर स्नोफॉल देखना चाहते हो तो बड़े आराम से आ सकते हो। दोनों महाराज अब खेल खेल के थक गए, अब यहाँ आ गए, मुझे वहाँ पर पानी लेने जाने का भी मन नहीं कर रहा है सच में, अब बर्तन भी धोने हैं खाना बनाने के बाद, तो इतने ठंड में हाथ पानी में हाथ लगाना तो ना मौत के बराबर जैसा सोचूंगी मैं, क्योंकि यहाँ देखिए पानी जमा हुआ है, ये देखिए, ये देखिए पूरा पानी जमा हुआ है। Thank you.
यहाँ पर धूप पहुँच गई है, मैंने सोचा क्यों ना हम घूमे फिरे बगीचों में, तो बस बगीचों में घूम रही हूँ। धूप है तो शुक्र है बाहर निकला जा रहा है, अदरवाइज अभी पता कितना हो रहा है टाइम, 11:30 तब जाके धूप आ रही है। सोचो यहाँ कितनी ठंड होगी, इतनी ठंड थी ना मुझे ना आग से हटने का मन ही नहीं कर रहा था, आग के पास ही बस चिपके रहूँ। दोस्तों फ्रेश फ्रेश स्नो पड़ी है तो फिर फ्रेश फ्रेश स्नो खाना ही पड़ेगा। यहाँ देखिए, ये देखिए कितना फ्रेश स्नो है, तो इसके मज़े लिए बगैर मज़ा कहाँ आएगा। तो मज़ा आ रहा है। ये देखिए चेरी एप्पल्स पेड़ों में ही सूख गए हैं, ड्राई एप्पल बन गए हैं और इन पे अब बर्फ पड़ी है तो फिर सड़ने जैसे लगे, वैसे तो ड्राई ही हो रहे हैं। ये देखिए नज़दीक से दिखाती हूँ मैं, खट्टे मीठे से रहते हैं ये ना। थोड़े नज़दीक से देखते हैं कि उन पहाड़ियों में कितनी बर्फ़ पड़ी है, तो मैं अभी ज़ूम करके दिखाती हूँ आप लोगों को, देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि पिछले बार की तरह पड़ी होगी बर्फ़, इस बार वैसे ही बहुत कम है हर जगह। यहाँ देखिए पिछले बार के मुकाबले में इस बार कितने कम बर्फ़ पड़ रही है, और यहीं से हमारा पानी का स्रोत है। अगर बर्फ़ नहीं पड़ेगी तो हम पानी कैसे डालेंगे अपने खेतों में, भगवान करे अच्छे से बर्फ़ पड़ जाए। ये सब आप लोगों को पता ही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही हो रहा है, और हमारे किन्नौर में इतने सारे डैम वगैरह बन रहे हैं उस वजह से टाइम टू टाइम ना बारिश होती है ना बर्फ़ पड़ती है। आज से 2 साल पहले आप लोगों ने मेरी वीडियो जब देखी थी विंटर लाइफ इन किन्नौर, जिसमें मैंने रेड कलर का हुड पहना था, उस वक्त कितनी बर्फ़ थी, मैं यहीं पर ही आई थी शूट करने के लिए। और अब देखो बर्फ़ बहुत कम है, इतनी बर्फ़ तो नीचे गाँव में होती थी हमारी, लेकिन अब इतनी बर्फ़ यहाँ ऊपर पड़ रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में ना इतनी बर्फ़ भी पड़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये इन पेड़ों में जो ये देखिए सामने, ये देखिए इन पेड़ों में इतनी बर्फ़ होती थी कि पूछो मत। ये तो अभी तेज़ धूप पड़ जाएगी ना, ये बर्फ़ तो वैसे ही पिघल जाएगी, ये देखिए। तो गाइज़ अभी मैं अपने ऊपर वाले बगीचे वाले चौकीदार के पास जा रही हूँ, देखती हूँ वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि नीचे तो इतनी बर्फ़ नहीं होती, तो यहाँ तो देख लिया है आप लोगों ने कितनी बर्फ़ है, तो ऐसी बर्फ़ में बहुत ठंड है। और इस वाले पोर्शन में ना, इस वाली पहाड़ी में धूप बहुत लेट आती है, तो अभी 12:30 होने वाली है पर धूप अभी भी नहीं है यहाँ पर, तो सोचिए कितनी ठंड होगी यहाँ पर, क्योंकि धूप आती ही नहीं है इधर। हाय क्या क्या कर रहे हैं? चाय बना रहे। अच्छा बुरे हाल बर्फ पड़ी कि कम पड़ी? ये साल थोड़ा कम कम पड़ी। अच्छा कम कम पड़ रही है, पहला पहला बहुत आ रहा था। हाँ ये साल बहुत कम आया। अच्छा हाँ बहुत बार आया, कम कम आया। आप क्या बना रहे हो? ये खसे बना रहे। अच्छा नेपाल में शेरपा लोसर में ऐसे बनाते है ना। अच्छा तो मतलब नेपाल में भी लोसर मनाया जाता है? अच्छा क्योंकि मैं अभी लिपा गई थी ना, तो मैं लोसर के लिए, तो लोग नेपाल वाले भी कमेंट कर रहे थे कि हमारे नेपाल में भी मनाते हैं करके। नेपाल में ऐसा क्या बोलते हैं,
इतना ये बेल के भी इतना बड़ा बड़ा होते है। अच्छा बड़ा बड़ा बेल फिर यहाँ तो छोटा है ना। हाँ हाँ छोटा बना है। अच्छा तो किससे बनाते हैं ये आप लोग? जी किससे बनाते हैं ये? थोड़ा तेल डाल दे। अच्छा चीनी डाल दे। अच्छा अभी गर्म पानी से खन के तेल में करते। अच्छा आटा नॉर्मल जिससे रोटी बनाते हैं हम वही वाला आटा? एक मैदा एक आटा को अच्छा मिक्स करके बनाते हैं। अच्छा होते है ना। अच्छा यहाँ तो आटा है। आटा बना। अच्छा तो इसको तलेंगे अब? हाँ जी ऐसे करिए। तो नेपाल में कब लोसर मनाते हैं? फागुनगा एक ते। अच्छा ऐसे करके फागुन एक को मनाते हैं? हाँ जी। कितने दिन का होता है? होते दिन का एक दिन ये मनाने को तो एक महीना दो महीना खाते है ये बहुत मनाते हैं ना। अच्छा एक खाते ही रहते हैं आप लोग? एक दिन तीन चार महीना रहते ऐसे बनाते। अच्छा ऐसे बना के हाँ तेल में ऐसा ये तो छोटा हो गया ना। हाँ पतीला भरा भरे में कितना अच्छा होती है। अच्छा ये आपने कैसे किया मुझे दिखाओ जरा। हाँ बीच से कट किया और ऐसे मोड़ दिया। ऐसा साइज इतना बड़ा है। तो गाइज आप लोग देखिए आज मैं नेपाल का डिश खाने वाली हूँ खपसे। अच्छा तो ये मीठा खपसे है तो नमकीन खपसे नहीं बनाते हैं? नमकीन ये नमकीन है। नमकीन नहीं बनाते नमकीन भी बनाते शेरू बनाते नमकीन। अच्छा हमारा लोसर का खपसे देखते। तो गाइज देखिए यहाँ पे खपसे तल के पूरे तैयार है अब हम इसे खाएंगे। तो गाइस अब मैं ये टेस्ट करके बताती हूँ आप लोगों को कैसा बना हुआ है। यहाँ देखिए कितना सुंदर सा डिजाइन बनाया था इन्होंने। तो अब मैं टेस्ट करती हूँ। बहुत ज्यादा टेस्टी है और मीठा इन्होंने कम डाला है जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मैं मीठा कम ही लेती हूँ तो बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है और मजा आ रहा है खाने में। तो बहुत ही इजी रेसिपी है आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। ये नेपाल का जायका आप लोग अपने घर पे भी बना सकते हैं बहुत टेस्टी है। हालांकि हमारे अपर किन्नौर में भी बनाए जाते हैं ये और आज पहली बार मैंने देखा कि किस तरीके से बनाया है तो आप लोग ट्राई जरूर। तो गाइस ये मुझे नेपाल की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो पहना रहे हैं तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ पहनने के लिए। इसको क्या बोलते हैं आप लोग? छुबा बोलते। छुबा 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 बोलते। तो मैं छुबा पहन रही हूँ है ना। हम दोनों छुबा पहन रहे हैं। अब थोड़े से रील्स भी बनाने पड़ेंगे अब इतना पहन रही हो तो मैं है ना। सही है। और ये तो पूरा मेरे नाप का लग रहा है आपने बनाया हुआ। यहाँ देख लीजिए यूना की मम्मी ने भी पहन लिया है। अब थोड़ा सा हम रैंप वॉक करेंगे पहन कर ये है ना बर्फ में। चलो चलते हैं बर्फ में। तो मैं यहाँ पहुँचने वाली हूँ अपने गांव अपने घर लेकिन यहाँ देखिए बर्फ़ का कोई नामो निशान नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ थी और कहाँ पहुँच गई। यहाँ देखिए कोई नामो निशान नहीं है बर्फ। तो गाइस आजकल जब से लोहड़ी का त्यौहार समाप्त हो गया है तब से 15 दिन तक हमें इस तरीके से रात को भी चूल्हा लिपाई करना पड़ता है। तो मैं चूल्हा लिपाई कर रही हूँ। ये लाल मिट्टी और गोबर का लेप है तो रात में भी चूल्हा लिपाई करके ही सोते हैं हम। पूरा साफ करके सोते हैं 15 दिनों तक। तो ये भी चल रहा है और अभी हमने खाना वाना खा लिया है तो पूरा साफ सफाई करके तब जाएंगे किचन से। देखिए और मीना वहाँ बर्तन धो रही है। मीना हाय तो बोल दे। तो वहाँ बर्तन धोया जा रहा है और देखिए गर्म पानी से ही धोना पड़ता है क्योंकि आजकल बहुत ठंड है ना मीना। तो गाइज आप लोगों ने देखा कि बर्फ कितनी कम पड़ रही है पहले के मुकाबले में। तो ये सब कुछ चिंताजनक बातें हैं जिन्हें सोच के ही डर लगता है कि आने वाले टाइम में बर्फ ना पड़े तो हमारा क्या होगा क्योंकि पूरा गर्मी हमने पानी डालना होता है खेतों में। तो जब बर्फ नहीं पड़ेगी तो फिर पानी कहाँ से होगा हमारे नहर में पानी कहाँ से आएगा। तो ये सोच के ना थोड़ा डर भी लगता है। और अभी अनाज सूख भी रहे थे पीले पीले पड़ना स्टार्ट भी हो गए थे वो तो शुक्र है चलो बारिश वगैरह हो गई वरना तो सर्दियों में भी हमें पानी डालने का नौबत
आ ही गया था समझ लो, तो ऐसे ही हालात हो रहे। तो आप लोगों को ये वाला व्लॉग कैसा लगा? बस थोड़ी सी कोशिश थी आप लोगों को स्नोफॉल दिखाने की, मतलब गिरते हुए तो दिखा नहीं पाई, चलो मैं पड़ी हुई थी स्नो वैसे ही दिखा दिया क्योंकि रात को पड़ी ना, तभी मैं दिखा नहीं पाई आप लोगों को। मिलती हूँ नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।